हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अभिक्षा होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो आज मैं आप लोगों के साथ इजी दिवाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए है तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले मैंने यूज़ किया यहाँ पर डर्मा वेव का हाइड्रा uh, क्लेंज़र जो कि आपके पी बैलेंस को मेनटेन करता है और वैसे भी मैं जो हूँ ये वीडियो शूट कर रही हूँ रात में ऑलमोस्ट एक बजे सवा एक बज रहा था तो ये मैं शाम को मार्केट गई थी तो काफ़ी काजल एंड ऑल लगा था तो मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट क्लिनजर है क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप है एंड जो मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो इसीलिए मैंने ये वाला क्लिनर यूज़ किया था इसके बाद मैं यूज़ करी अपना फेवरेट ऑल टाइम हाई हाईली रिकमेंडेड मॉइस्चराइज़र जो कि है न्यूट्रीडम का मॉइस्चराइज़र सो so, बहुत ही प्यारा मॉइस्चराइज़र है विटामिन ई e है इसमें और ये ऑल स्किन टाइप है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नारिश करता है इसके बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर पर्पल का सीरम बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए हैं मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप लुक होने वाला है कुछ भी ज़्यादा इसमें नहीं होगा तो आप डेफिनेटली ये वाला मेकअप लुक कर सकते हो अगर आप अपने दिवाली में अपने घर पर पूजा कर रहे हो या वैसे भी अगर आप रेडी हो रहे हो तो तो मैंने यहाँ पर इस ऑयल को अच्छे से लगा लिया है इससे मेरे जो फेस है फेस का जो बेस होगा वो काफ़ी ग्लोई हो जाएगा काफ़ी डु हो जाएगा तो अच्छा लगेगा ड्राई ड्राई नहीं रहेगा वैसे भी सर्दियां आ गई हैं तो इस समय थोड़ा ड्राई होता ही है फेस सबका एंड ये मेकअप लुक मैंने रात में लाइक like, ये वीडियो कल लाइव जाएगा तो मैं एक दिन पहले का है मतलब जिस दिन आप ये देखोगे उसी दिन की रात में मैंने ये वीडियो शूट किया है एडिट किया है सो so प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करिएगा बिकॉज मैं चाहती थी आपके लिए एक ईजी मेकअप लुक लाना इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर वेटर्न वाइल्ड का आईब्रो पैलेट जो कि बहुत ही अच्छा है हाईली रिकमेंडेड है इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ बेसिकली मैं चाहती थी इस मेकअप लुक में जो मेरी आईज हैं वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगें तो इसीलिए मैंने आईब्रोज़ पर मेनली ध्यान दिया है और थोड़ा बहुत आई मेकअप पे भी ध्यान दिया है तो आपको अपने आईब्रोज़ को जब फिल करो तो बहुत ही आराम से करना चाहिए जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए अगर आप प्रो नहीं हो तो इसके बाद मैंने यूज़ किया यहाँ पर एन वाई बेग का फाउंडेशन कंसीलर स्टिक काफ़ी अच्छी स्टिक है बहुत टाइम बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक इसको तो अच्छी स्टिक है बहुत ही आ, मैं ये कहूँगी मीडियम कवरेज है लो टू मीडियम कवरेज है हाई कवरेज तो बिल्कुल भी नहीं है बट अच्छी है अगर जैसे कि दिवाली पूजा है तो आपको कौन सा पूरी रात किसी के यहाँ बैठना है तो आप ये वाली डेफिनेटली स्टिक यूज़ कर सकते हो एंड दिवाली मेकअप है तो अगर आप इसमें से कोई भी स्टेप जो स्किप करना चाहो तो आप कर सकते हो मैंने प्राइमर नहीं लगाया इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लिनजर लगाया मॉइस्चराइजर लगाया सीरम लगाया सो आई थॉट कि प्राइमर की इतनी नीड नहीं बिकॉज मुझे अपने मेकअप को बहुत चिपका के नहीं रखना इसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लिया है तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है अच्छी स्टिक है मेरा जो भी शेड होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चेकआउट जरूर करिएगा तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कौन सी साड़ी के साथ ये मेकअप लुक करूं फिर मुझे लगा कि दिवाली है थोड़ा पीला ऑरेंज ऐसा करके अच्छा लगेगा तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल सा येलो और ऑरेंज शेड की साड़ी पहनी हुई है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक कि मैंने किस स्टोर से ली है बट उससे बेटर है कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर हैंडल मतलब इंस्टाग्राम पर विज़िट करो और वहाँ पर देख लो इसके बाद मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट लिया और इससे मैंने अपने पूरे कंसीलर को सेट कर लिया है ताकि जो मेरा कंसीलर है बिल्कुल भी केकी ना हो बिल्कुल भी क्रीज ना हो तो उसको ऑर्डर से मैंने सेट कर लिया इसके बाद मैंने यूज़ किया है यहाँ पर टोक्यो का आई पैलेट और इससे मैंने अच्छे से अपनी जो आईलेड है उस पर एक ऑरेंज कलर बोलेंगे एक ऑरेंज कलर से पूरा बेस बना लिया बिकॉज मेरी साड़ी का जो बेस है वो भी ऑरेंज है तो ऑरेंज और येल्लो है तो येल्लो मेकअप तो मुझे लगा नहीं अच्छा लगेगा तो इसलिए मैंने ऑरेंज का पूरा बेस बना दिया है और कुछ भी नहीं किया है सिंपली आपको एक कलर उठाना है पूरी आईलेट पर ब्लेस करना है उसके बाद एक शिमरी शेड उठाना है जैसे कि मैंने लिया है और इसको आपको अपनी आईलिड पे प्लेस कर देना है तो आप देख सकते हो कितना सुंदर सा आ रहा है वैसे भी अगर आप जो आपका बेस है नीचे वो ऑरेंज या फिर थोड़ा सा रस्ट कलर ये लोगे तो बहुत ही सुंदर लगता है उस पर ग्लिटर तो मैंने बस इस पर थोड़ा सा ग्लिटर प्लेस किया है फ्लैट ब्रश की हेल्प से तो काफी अच्छा लग रहा था सामने से और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो आप अगर चाहो तो ऐसा इजी मेकअप लुक ज़रूर कर सकते हो कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं हुआ है इसके बाद मैंने यूज़ किया है लैकमे ऐप सल्यूट का आई लाइनर जो कि वाकई में बहुत अच्छा है मुझे इसकी स्टिक बहुत अच्छी लगती है बहुत ही ईजी होता है इसे पकड़ना और मैंने एक लाइनर ड्रा किया है जो कि बहुत ज़्यादा विंग वाला भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है बट हाँ एक लाइनर ड्रा किया है मैंने और क्योंकि ये दिवाली मेकअप लुक है तो मैंने फॉल्स चीज़ का यूज़ नहीं किया है मैं नहीं चाहती थी कुछ भी आर्टिफिशियल हो इस वीडियो में तो जैसा मैं बस नॉर्मल मेकअप करके आपको दिखा रही हूँ इसके बाद मैंने एसक्यू का फाउंडेशन लिया है फाउंडेशन बहुत ज़्यादा नहीं लिया है अभी आप देखोगे जब मैं ब्लेंड करूँगी बहुत ही नॉर्मल सा कवरेज है अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आप इसकी एक कोट और लगा सकते हो बट मुझे लगता है कि आपको बहुत हाई कवरेज की नीड नहीं है तो आप नॉर्मल सा बस हल्का फुल्का फ़ाउंडेशन लगा सकते हो बट अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप ये पार्ट टोटली स्किप कर सकते हो आप सिर्फ सीलर की हेल्प से भी अपना जो फेस है उसको सेट कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि ये फाउंडेशन कितने अच्छे से मेरी स्किन में ब्लेंड हो गया एंड आई मैं यही बोलूँगी कि शायद ये पहला फाउंडेशन है जो कि मुझे एग्जैक्टली exactly मेरी स्किन टोन का मिला है बाकी तो मुझे कभी लगता है थोड़ा सा कोई ज़्यादा है कोई कम है बट ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसके बाद मैंने फिटमी का कॉम्पैक्ट दोबारा से लिया है पूरे फाउंडेशन को सेट कर लिया है क्योंकि सेट करना बहुत ज़रूरी होता है वरना वो के ही लगेगा ये मैंने आपको पहले भी बताया है और अब इसके बाद मैं यूज़ करूँ कि यहाँ पर ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश जिसमें कि हाइलाइटर भी है तो अगर आप हाइलाइटर नहीं लगाना चाहते हो तो आप ये वाला ब्लश सिर्फ लगा सकते हो मैंने ब्रश की हेल्प से लिया है और मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए ब्लश हमेशा ज़्यादा हो जाता है मुझसे तो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंड करना शुरू किया फिर मैंने ब्रश को चेंज कर दिया जब आपको लगे कि ब्लश ज़्यादा हो गया तो आप ब्रश को चेंज कर दो जो नॉर्मल ब्रश होगा जिसका आपने ब्लश नहीं यूज़ किया उससे आपका जो ब्लश है वो इवन हो जाएगा थोड़ा सा इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर फेसेस की लिपस्टिक जो कि बहुत ही अच्छी लिपस्टिक आई मस्त से काफ़ी प्यारा रेड कलर है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो ये वाली लिपस्टिक बहुत ही सुंदर सा रेड कलर है दिवाली में रेड पिंक यही कलर अच्छे लगते हैं तो और मैरिड वुमेंस के लिए तो रेड जो होती है वैसी भी बहुत सुंदर लगती है सिंदूर रेड रेड लिपस्टिक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है सो so, कैसा लगेगा ये लुक प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है इसके बाद मैंने उसके यहाँ पर वेटन वाइल्ड का डबल एक्सल मस्कारा जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि फॉल्सिस लगाने नहीं हैं तो मैंने लैशेस को वॉल्यूम इसी से दिया है उसके बाद मैंने एक बिंदी लगा ली है छोटी सी आप चाहो तो बड़ी बिंदी भी लगा सकते हो बट छोटे बिन्ने मुझे लगा सही रहेगी इसके बाद मैंने पर्पल का काजल यूज़ किया है और अच्छे से लगा लिया है बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं है तो आँखें जो हैं वो सुंदर लगेंगी तो अच्छा लगेगा सो so, मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक पर्सनली मैं ये लुक शायद दिवाली में करने वाली हूँ वैसे तो मैं देखती हूँ मैं दिवाली में क्या पहनने वाली हूँ उसके लिए आप जुड़े रहिएगा मुझसे इसके बाद मैंने पिलाड़ियों का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया है उसको अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लिया है और एक छोटे से पतले ब्रश की हेल्प से मैंने हाईलाइटर लगा लिया है जो कि शुगर का है और ये उस शुगर की पैलेट है जिसमें आपको हाईलाइटर ब्लशर और कॉन्टोर दोनों में तीनों चीज़ें मिलती हैं तो मुझे जो जो एरिया हाईलाइट करने हैं मैंने वहां पर हाईलाइटर लगा लिया है थोड़ा सा आप देख सकते हो दैट्स एट अब हुँ... हेयर स्टाइल की बारी आ गई है तो हेयर स्टाइल के लिए मैंने बस साइड से मांग निकाल ली है आप भी साइड से पार्टीशन कर सकते हो अगर आपके ऊपर अच्छा लगता है आप चाहो तो सॉरी बीच वाली भी कर सकते हो मिड वाली बहुत सुंदर लगती है बट मेरे ऊपर कम अच्छी लगती है तो मैंने यहाँ पर बस सिंपली बालों को ट्विस्ट किया है और क्योंकि हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे बट आप मेक श्योर करो जब आप बन बनाओ तो बहुत ही नीट बनाओ काफ़ी नीट और क्लीन लगना चाहिए तो मैंने बस यहाँ पर एक पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लिया है उसके बाद मैं अपनी दूसरी वाली साइड भी फ्रंट के बालों को लूंगी और थोड़ी सी एक लटे निकाल लूंगी क्योंकि जब बन बहुत सिंपल सा होता है तो अजीब सा लगता है ये निकालने के बाद मैं इसको भी ट्विस्ट करूँगी और ट्विस्ट करके मैं पीछे पिन की हेल्प से इसको टक कर लूँगी आई थिंक ये मेरा सबसे ज़्यादा गो टू हेयर स्टाइल है मुझे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही वाला हेयर स्टाइल करती हूँ काफ़ी ईजी लगता है आप भी ज़रूर ट्राई करो बहुत ही सुंदर लगता है एंड वैसे पूजा वगैरह में या कोई फेस्टिवल है तो गजरा वजरे के साथ ना ये वाला हेयर स्टाइल बहुत सुंदर लगता है और आप चाहो तो फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा फुला सकते हो अपने हाथ से ही तो फुलाने पर ना थोड़ा सा और सुंदर लगता है बाल बैठे बैठे चिपके से नहीं like this अब मैं पीछे नॉर्मली बाल को एक्चुअली मेरे बाल इतने हैं कि मैं बस हाथों से घुमा के जूड़ा बना लेती हूँ बहुत लोगों को नहीं आता बट मैं वैसे ही बनाती हूँ उसके बाद मैंने एक रबर बैंड लगा लिया है जिससे कि मेरा जूड़ा बिल्कुल भी ना हिले इसके बाद मैं ढेर सारी जूड़ा पिन लगा लेती हूँ और ऊपर से एक जूड़े की जाली आती है ब्लैक कलर की वो मैं लगा लेती हूँ तो वो मुझे काफ़ी ईजी लगता है मैंने दिखाया है ऑलरेडी आपको मेरे हेयर स्टाइलिंग के वीडियो में एंड ये जो गजरा है ये मैंने मीशो से लिया था काफ़ी अच्छा गजरा है काफ़ी बड़ा गजरा है मत से तो ये मैंने लगा लिया है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड आई जस्ट लाइक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया अपना ये मेकअप लुक क्योंकि बहुत सिंपल है मैंने सबसे जल्दी आई थिंक कोई मेकअप लुक किया है तो वो यही वाला है और मैंने ये जो ज्वेलरी पहनी है ये मीशो की है काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही है सिल्की साड़ी के साथ ये जो ब्लाउज़ का पैटर्न है ये भी मुझे बहुत पसंद आया एंड ये जो ब्लाउज है इसकी डिटेल वीडियो जल्दी ही आने वाली है तो आप लोग ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट थैंक यू